हेलो दोस्तों, मैं अमित उपाध्याय और आप देख रहे हैं एएस ऑटोमोबाइल। दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ जो रीजनरेशन की लाइट है एलपी 710 गाड़ी में रीजनरेशन की लाइट जले और एमआईएलएम जले, और उसके बाद आपने रीजनरेशन किया तो भी वो लाइट ना जाए। समझ रहे हैं दोस्तों, ना जाए और ये फॉल्ट कोड है तो क्या करें। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि लोगों ने बताया मुझे कि सर, ये रीजनरेशन करने के बाद लाइट तुरंत ही जल जाता है फिर से, तो क्या करें LP710 में। तो मैं आज ये गाड़ी पे लिए वीडियो बना के लेके आया। LP710 में रीजनरेशन लाइट बार बार आए और उसके बाद ये फॉल्ट कोड आए तो क्या करें। दोस्तों, ये जान लीजिए P24A4-00DPF डीजल पार्टिकुलर फिल्टर ओवरलोडेड फॉल्ट। समझ रहे हैं दोस्तों, इसके लिए आप क्या चेक करेंगे और इसका रीजनरेशन लाइट कैसे हटाएंगे। सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए सूट मास वैल्यू कितना है, सूट मास वैल्यू चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद आप ये फॉल्ट कोड करेक्टिव एक्शन में ओपन कर लेंगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मेरे पास फॉल्ट कोड भेजिए, मैं उसका सब डिटेल आपको बता दूंगा। अगर आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8369-364998। दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है, ऑटो रीजनरेशन वांट टू सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ रीजनरेशन स्टार्ट कंडीशन नॉट मेट ऑफ और सिस्टम फॉल्ट। समझ रहे हैं दोस्तों, अगर इसका तो सबसे पहले ये बोल रहे कि रीजनरेशन ऑटोमेटिक सक्सेसफुली हुआ या फिर नहीं। अगर नहीं हुआ है तो इसका कोई सिस्टम में फॉल्ट है, ये हम लोग को मालूम है दोस्तों, क्योंकि सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं होता तो ये लाइट क्यों जलता। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट, एक्सेस ईजीआर फ्लो फॉल्ट पीएफएम सेंसर। ये आप ईजीआर या तो पीएफएम सेंसर जो होता है वो चेक करेंगे। अगर आपको आपने ईजीआर का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा ईजीआर का वीडियो देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ। और पीएफएम सेंसर के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं पीएफएम सेंसर क्या है, क्योंकि ये सिर्फ BS6 में लगा होता है। और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, डैमेज इंजेक्टर इंजेक्टर या ये फिर डीजल, जो डीजल का होता है सप्लाई, उधर से किधर इसमें गंदगी वगैरह क्या रहेगा तो भी ये दिक्कत आएगा। फिर उसके बाद जो तीसरा है, तीसरा मैंने बता दिया, चौथा चोक एयर फिल्टर, एयर फिल्टर इसका चेक करेंगे। फिर उसके बाद जो इसका पांचवा पॉइंट है, ऑयल स्पेसिफिकेशन फ्रॉम टर्बो इन इंटेक सिस्टम, इसका जैसा टर्बो वगैरह चेक करें उसमें कोई इधर ऑयल वगैरह तो नहीं आए। ये पांच पॉइंट चेक करेंगे आपको दोस्तों समस्या मिल जाएगी। अब उसके बाद दोस्तों ये जान लीजिए, ये फॉल्ट कोड आने पे ये पांच चीज़ आप चेक करेंगे। अब इसका जो एक सेंसर होता है, ये सेंसर से भी प्रॉब्लम होती है, वो सेंसर मैं दिखा देता हूँ आपको। वो सेंसर जो मैं ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये सेंसर का ये कपलर चेक करेंगे आप। ये कपलर अगर निकला रहेगा तो भी ये फॉल्ट कोड आएगा और रीजनरेशन की लाइट बार बार आएगी। दोस्तों, अगर आप ये कपलर लगा देंगे तो ये लाइट चला जाएगा, या फिर जो मैं ये पाँचों पॉइंट बताया हूँ वो आप चेक कर लेंगे। जिसके जिसके गाड़ी में ये फॉल्ट कोड आए, रीजनरेशन की लाइट बार बार आए, LP710 की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, और कोई गाड़ी की नहीं। LP710 में अगर रीजनरेशन की लाइट बार बार आती है तो आप यही इतना पाँचों पॉइंट चेक करेंगे। ये पाँचों पॉइंट चेक करने के बाद आपको कोई ना कोई फॉल्ट मिल जाएगा और गाड़ी आपकी सही हो जाएगी, वो फॉल्ट दूर होने के बाद गाड़ी सही हो जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे मैं डेली नए नए वीडियो बना के आपको बताता रहता हूँ, जैसे आपको अगर गाड़ी की इलेक्ट्रीशियन है या फिर मालिक है तो भी आपको दिक्कत ना हो, आप जानते रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। AS ऑटोमोबाइल, अमित उपाध्याय।